सुप्रभात हिमाचल, तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। मनाली के धर्मचंद को दिल्ली में मिला राष्ट्रपति पुरस्कार। राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मनाली के राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी धर्मचंद ठाकुर को सामाजिक कार्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं पिछले कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें यह पुरस्कार दिया। धर्मचंद को प्रशस्ति पत्र, रजत पदक और 1.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई को 2 लाख की राशि दी गई है। धर्मचंद ठाकुर का प्रदेश में शिक्षा के साथ सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देने में योगदान रहा है। उन्होंने कोरोना काल में खुद के बनाए मास्क मनाली के गांव-गांव में वितरित किए थे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष में धन एकत्रित कर दान किया। आज 5 जिलों में बाढ़ का अलर्ट, 28 तक जारी रहेगा बारिश बर्फबारी का दौर। हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में आज भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट के बीच आज शाम तक प्रदेश के 5 जिलों में बाढ़ आने का खतरा है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने शिमला, सिरमौर, मंडी, चंबा और कांगड़ा में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है ताकि किसी तरह का जानी नुकसान पेश न आए। नदियों व नालों से खासकर दूर रहें। वहीं प्रदेश में 28 सितंबर तक प्रदेश में मौसम के खराब रहने का पूरा अनुमान है। अब लाभार्थियों के ज्वाइंट खाते में नहीं आएगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत अब लाभार्थियों के ज्वाइंट बैंक खाते में सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं आएगी। इसके लिए अब पेंशन धारक लाभार्थी का स्वयं का अलग से खाता होना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन लाभार्थियों के ज्वाइंट खाते में सामाजिक सुरक्षा पेंशन आती है उन्हें तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में अलग खाता नंबर दर्ज करवाना होगा। इसके बाद लाभार्थी के स्वयं के अलग खाते में पेंशन की राशि आएगी। आगामी पेंशन राशि लाभार्थियों के स्वयं के अलग खाते में ही आएगी। धूमल के विधानसभा क्षेत्र सुजानपुर से 29 को चुनावी हुंकार भर सकती हैं प्रियंका। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 29 सितंबर को पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल के विधानसभा क्षेत्र सुजानपुर से रैली कर चुनावी हुंकार भर सकती हैं। रैली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला भी आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंडी रैली का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने जिला हमीरपुर को चुना है। एजी कार्यालय का सवाल, पिछले 3 साल क्यों नहीं किया निजी स्कूलों का निरीक्षण। प्रदेश में कई निजी स्कूलों की ओर से मनमाने तरीके से फीस बढ़ोतरी को लेकर आए दिन अभिभावक सवाल उठाते हैं। कई बार हमीरपुर और शिमला में धरना प्रदर्शन तक हो चुके हैं, लेकिन इन स्कूलों में सुविधाओं को जांचने के लिए सरकारी विभागों ने भी ईमानदारी से ड्यूटी का निर्वहन नहीं किया। इसी तरह के एक मामले में हिमाचल प्रदेश महालेखाकार एजी कार्यालय शिमला ने प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक हमीरपुर से निजी स्कूलों के निरीक्षण को लेकर जवाब तलब किया है। लंपी रोग के वेरिएंट में बदलाव, अब टांग और गले में भी सूजन। मौसम में बदलाव के साथ लंपी रोग के वेरिएंट में भी बदलाव आ गया है। इसमें पहले पशुओं को तेज बुखार के साथ शरीर पर दाने निकल रहे थे। नए वेरिएंट में पशुओं की टांग और गले में सूजन आ रही है। इस कारण पशुओं का दम घुट रहा है और उनकी मौत हो रही है। इसका खुलासा पशुपालन विभाग की फील्ड निरीक्षण टीम ने किया है। वहीं विभाग का दावा है कि यह वेरिएंट पहले से खतरनाक है। हालांकि इसका समय पर पता चलने के बाद पशुओं को बचाया जा सकता है। SFI ने किया प्रदर्शन, शिक्षक भर्ती में गड़बड़ की जांच की उठाई मांग। हिमाचल में शिमला स्थित के मुख्य गेट के बाहर SFI ने प्रदर्शन किया। छात्र संगठन शिक्षक भर्ती में हुई गड़बड़ियों की जांच करवाने और छात्र संघ चुनाव बहाल करवाने की मांग को लेकर लामबंद है।
एसएफआई के कैंपस उपाध्यक्ष अनुजा मेहता का कहना है कि सत्र शुरू हो गया है लेकिन कई छात्र छात्राओं को हॉस्टल की सुविधाएं तक नहीं मिल रही हैं। वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियम 2018 के प्रावधान के विपरीत हुई शिक्षक की भर्तियों को रद्द करने और इसकी न्यायिक जांच करवाकर इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई है। सोलन में दुराचारी बाप को उम्र कैद, अदालत का अहम फैसला, जुर्माना भी भरना होगा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोक्सो अदालत सोलन डॉक्टर परमिंदर सिंह अरोड़ा की अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं आजीवन कारावास के साथ आरोपी को जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। जिला न्यायवादी एमके शर्मा ने बताया कि यह मामला सोलन में वर्ष 2019 में सामने आया था, जहां पर प्रदीप कुमार नाम के व्यक्ति पर अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुराचार करने का आरोप लगा था। इस मामले में सोलन महिला थाना में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। यह व्यक्ति अपनी दो बेटियों व दो बेटों के साथ रहता था और इसकी धर्मपत्नी इससे अलग रहती थी। सर्वे नक्शे के नाम पर फूंक दिए 18 लाख रुपए। राजधानी में नगर निगम का टाउन हॉल भवन बनाने का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट तो सिरे चढ़ा नहीं, लेकिन इसके नाम पर अफसरों ने 18 लाख रुपए फूंक दिए। सर्वे करने और भवन का नक्शा बनाने के नाम पर यह पैसा बर्बाद कर दिया गया। वहीं अब प्रोजेक्ट रद्द होने के साथ ही इस पर सवाल उठ रहे हैं कि जब अफसर जानते थे कि शहर के कोर एरिया में निर्माण कार्य पर पाबंदी है, तो फिर इस एरिया में इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाने का प्लान किस आधार पर तैयार कर दिया। 50 करोड़ से बनने वाला यह टाउन हॉल भवन सब्जी मंडी मैदान पर बनना था। आउटसोर्स पॉलिसी के खिलाफ 28 को प्रदर्शन। शिक्षित बेरोजगार संघ की ओर से आउटसोर्स पॉलिसी के खिलाफ 28 सितंबर को प्रदर्शन किया जाएगा। पुराना बस स्टैंड से सचिवालय के नज़दीक टोलैंड तक सुबह 10 बजे से आक्रोश रैली निकाली जाएगी। इनकी मांग है कि सरकार आउटसोर्सिंग भर्ती बंद करे और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की जगह स्थायी नियुक्तियों को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भरा जाए। वहीं बेरोजगार संघ ने कहा कि एनटीटी भर्ती आउटसोर्सिंग पर नहीं बल्कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भरी जाए। आउटसोर्स भर्ती किसी प्रकार के आरएनपी रूल्स के तहत नहीं हुई है और न ही यह 309 आर्टिकल में आते हैं। ऐसे में इनके लिए कोई स्थायी पॉलिसी बनाना उचित नहीं है। पेरविजन मामलों की समीक्षा शुरू, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने वित्त विभाग को सौंपे ज्ञापन। 6 सितंबर 2022 को राइडर के मामले में जारी पे रिवीजन रूल्स की संशोधित अधिसूचना की समीक्षा के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने इस बारे में छंटनी के बाद ज्ञापन वित्त विभाग को सौंप दिए हैं। ये सीधा अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना को दिए गए हैं। वहीं कर्मचारी महासंघ चाहता है कि 28 सितंबर को कैबिनेट की बैठक से पहले इन ज्ञापन ऊपर रिव्यू के बाद फैसला हो जाए। राज्य सरकार ने नए वेतन आयोग को लागू करने के लिए 1 जनवरी 2022 को अधिसूचना जारी की थी, लेकिन इन नियमों के बाद राइडर में फंसे कर्मचारियों को लाभ नहीं हो रहा था। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।